हे एवरीवन, वेलकम टू पहली चेतीज। मैं मान सकती हूँ कोविड की वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे होंगे, और क्योंकि नीट 2021 से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज़ भी घूम रही है कि क्या नीट का एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। इसी चीज़ से पिछले साल नीट 2020 वाले एस्पिरेंट्स भी गुजरे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना उन सारे बच्चों का मैसेज आप तक पहुँचाया जाए जिन्होंने नीट 2020 की प्रेपरेशन करी थी, कोविड वाले सिचुएशन को फेस किया था, पोस्टपोनमेंट वाले चक्कर में वो भी फंसे थे, लेकिन फिर भी वो लोग डेडिकेटेड रहे और आज वो मेडिकल कॉलेज में है, अपने ड्रीम कॉलेज में है। तो चलिए, अब मेरी आवाज़ नहीं, अगली आवाज़ उन सारे बच्चों की जिन्होंने नीट 2020 क्रैक कर दिखाया और पोस्टपोनमेंट के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं फंसे रहे, साथ ही बिल्कुल भी खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया। आई एम प्रथम सिदेवा, करंटली परस्यूइंग MBBS फ्रॉम मुनादल मेडिकल कॉलेज। फॉर एक्सपेरियंस मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जिनका सिलेबस हो गया है, फुल कंप्लीट हो चुका है, वो अभी से ही फुल कंप्लीट सिलेबस टेस्ट करना स्टार्ट कर दो, और वो उसी टाइम के बीच में करना है जैसे जिसमें नीट होता है, जैसे 2 से 5। और जिनका सिलेबस रहता है वो प्लीज़ जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, उनके पास एक यही ऑप्शन है। और कोई भी बच्चे प्लीज़ कोई दूसरी फालतू के रूमर्स पर ना ध्यान देना जो कि नीट के उससे रिलेटेड होते हैं, पोस्टपोन या नहीं होना, या ट्विटर पे जाके रीट्वीट्स वीट्वीट्स पे ना ध्यान देना, उसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट ही होगा, वो पढ़ने में बिल्कुल हेल्प नहीं करते। हेलो एवरीबॉडी, आई एम मिताली, करंटली परसुइंग फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS फ्रॉम MAMC न्यू दिल्ली। ऑल आई वांटेड टू टेल यू गाइज इज दैट लास्ट ईयर भी पोस्टपोनमेंट और इन सब चीज़ों को लेके बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। हमारा एग्जाम भी 2 बार रीशेड्यूल हुआ था, 3 अलग अलग डेट्स मिली थी, ट्वीट्स रीट्वीट्स बहुत सारी चीज़ें हुई थी लास्ट ईयर। बट जो सब इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हुए थे सबसे ज़्यादा, दे वर स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ आई वॉन्ट टू टेल यू कि इस सब में इतना ज़्यादा परेशान मत होना, डोंट लेट दिस अफेक्ट योर स्टडीज़, स्टडी वेल एंड आई होप दैट यू कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू। हे गाइस, आई एम अनुराग कोठारी एंड आई स्कोर 700 मार्क्स इन नीट 2020 एंड आई एम करंटली स्टडिंग इन वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। सो गाइज, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नीट के दिन और नीट के एक हफ्ते पहले कि क्या आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। एक हफ्ते पहले आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट होगे, नर्वस फील करोगे, नर्वसनेस पीक लेवल पे होगी, पर ट्राई टू बी काम एंड स्ट्रेस कम करने के लिए आप मूवीज़ देखो या टीवी सीरीज़ देखो, या मैं पर्सनली बुक रीड करता था। एंड इस एक हफ्ते में आप थ्योरेटिकल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करो एंड नीट के दिन बी काम। स्टार्टिंग के 10 मिनट जब आप पेपर दोगे उसमें आप एकदम अच्छे से ध्यान से पेपर सॉल्व करना, 10 मिनट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के। अगर ये आपके अच्छे से चले गए देन आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। एंड अगर आपका बीच में कंसंट्रेशन लूज होने लग जाता है, आपको लग रहा है कि हाँ मेरा कंसंट्रेशन यहाँ पे कम हो रहा है, तो 5 मिनट का ब्रेक लेना, पानी पीना एंड गहरी सांस लेना, ट्राई टू बी काम, आपके दिमाग को शांत रखने की कोशिश करना and again start your paper. So please take care and all the best, be confident, अच्छे से पेपर करके आना। Hello everyone, this is Sahil Jain, currently pursuing MBBS from MAMC New Delhi. For NEET 2021 aspirants, I just want to say that these last months are complete game changer for your preparation. NEET होगा या नहीं होगा, बाकी सारे exams postpone हो गए तो क्या NEET भी postpone होगा, all these thoughts affect studies of lots of aspirants. But instead, you should take this as an opportunity and come out of this dilemma by maintaining consistency in your studies. Try to solve lots of question papers and revise notes of important topics as well. You should not go for any new material, just try to revise your previous material and important topics from NCERT. Best of luck everyone, stay healthy, thank you so much. Hello everyone, I'm Nitya Lula from Maulana Azad Medical College. To all the NEET aspirants, I know y'all are working very, very hard, so all I want to say to you is stay calm and don't give up. There will be days when you're frustrated and you start questioning your abilities, but just know that all of us have had those days and it is normal. So don't treat this exam as a burden, take it up as a challenge. I know all of y'all are going to do very well, so all the very best, guys. Hello everyone, I am Karma Patel, currently pursuing first year MBBS from MMC New Delhi. For the aspirants of NEET 2021, I would like to say that all of you are now in the final phase of your preparation. So from now on, questions are more important than theory.
So all of you should solve more and more number of question papers, be it your coaching paper or previous year papers. And make sure you do that time boundedly and analyze each and every paper. Lastly, I would like to say that stay safe, stay healthy and study well. Thank you. तो देखो बेटा, जिन लोगों की अभी आवाज आप लोगों ने सुनी, जिन लोगों ने आप तक अपने मैसेजेस पहुंचाए, वो कोई अलग लोग नहीं है, आप लोगों ही जैसे हैं। उन लोगों ने भी वही सिलेबस पढ़ा जो कि आपका सिलेबस है। तो उनमें और आप में सिर्फ और सिर्फ एक चीज का फर्क है कि उन्होंने जितने भी डिस्ट्रैक्शन आ रहे थे उन्हें अपनी पढ़ाई के बीच में बिल्कुल भी नहीं आने दिया। उन्हें एकदम क्लियर था कि उन्हें इसी साल मेडिकल कॉलेज जाना है और वो उन्होंने प्रूव करके बताया। तो मैं इन शॉर्ट बस इतना ही कहूंगी कि जितने भी डिस्ट्रैक्शन अभी आपकी पढ़ाई के बीच में आ रहे हैं, जितना हो सके उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करो, बिल्कुल आराम से प्रेपरेशन करो, किसी चीज की टेंशन मत लो। जो भी अपडेट आनी होगी बेटा वो उस टाइम पर आ जाएगी। आप इस चीज में फंसे रहोगे कि यार अपडेट आएगी तब मैं पढ़ना शुरू करूंगा, उस हिसाब से मैं प्रेपरेशन करूंगा, तो टाइम चलते चला जाएगा और ये ही टाइम है जो कि आपके लिए अभी सबसे प्रेशियस चीज है। तो इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत होने दो। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2021 प्रेपरेशन। साथ ही अनअकैडमी पर इस महीने ह्यूमन फिजियोलॉजी की फ्री क्विजेस मैं करवा रही हूँ। आई होप आप लोगों को उसके बारे में पता है। कल 12th मई को न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की फ्री क्विज होने वाली है। उसके बाद 14th मई को आप लोगों की केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की फ्री क्विज होने वाली है। मेरी दोनों क्विजेस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। यार अच्छे से पढ़ो, इस साल नीट क्रैक करके बताओ। मैं चाहती हूँ कि नीट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए फिर मैं आप लोगों के वीडियो रिकॉर्ड करूँ और आप लोगों का मैसेज नीट 2022 एस्पिरेंट्स तक लेकर जाऊँ। तो ऑल द वेरी बेस्ट, खूब अच्छे से तैयारी करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।